Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अबद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकि ओम अज्ञान त्रिमांदस्य ज्ञानञ्जनाशदाभया चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विचैतन्य मनोमेषां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्बायं मदान्ति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपां सार्वजातं सागना रघुनाथाय तं सजीवं साधुतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्थगनान्विता श्रीविशाखान्तां स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामा मे हरि प्रिय पांचाकल्पतरु व्यास कृपा सिंधु मय वचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मुखं प्रोति वाचालं पंकं लंघेते गिरिं यत्कृपा तमा वंदे श्री गुरु दिनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य ने विशेष शून्यवादी पाशा देश तारिणे हरे कृष्णा आप सबका बहुत 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 स्वागत है भगवत चर्चा में। और भागवतम के हवाले से कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भागवतम ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और हम उस भगवान के गुणगान का आज आस्वादन करेंगे जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वो परम भरम परम धाम परम पवित्र भगवान पुरुषम शाश्वतम देवयाहम कुजम अहम। तो वो भगवान जो के परम भरम है परम धाम है जो के जिनका सुपीरियर जो है वो आसमान है पूरी जग में उनका परम धाम है परम पवित्र भगवान है वो यानी प्योरिफायर है वो बेसिकली पति तो पावन है और आदि है अनंत है इटर्नल है अनादिकाल से है। उस भगवान की चर्चा करने का हम सबको मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मुझे मौका दिया और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। डेफिनेटली पता नहीं कितने 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 जन्मों के बाद कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और उस भक्ति में सबसे मेन जो अंग होता है वो भगवत श्रवण है, साधु संग है और नाम जप कीर्तन है। तो ये सारे जितने भी मूल्य जो मोती हैं हमारे जीवन में जो हमें मिले हैं वो शिला प्रभुपाद के द्वारा मिले हैं, गुरु और आचार्यों के आशीर्वाद के द्वारा हमें मिले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवत चर्चा का स्टार्ट करते हैं आरंभ करते हैं। तो जो बेसिकली आजकल चैप्टर चल रहा है वो डिविजन ऑफ द क्रिएशन, ये कैंटो थ्री की हम बात कर रहे हैं 10th chapter और इसमें जो श्लोका है दैट इज टेक्स्ट 7। तो जो क्रिएशन है जो सृष्टि का निर्माण हो रहा है रचना हो रही है सब विभागन तो कह रहे हैं कि इसका जो चैप्टर है दैट इज डिविजन ऑफ द क्रिएशन। जो क्रिएशन है जो यूनिवर्स है जो सृष्टि है उसकी विभाग कैसे हो रही है ब्रह्मा के द्वारा उसके मुतालिक ये पूरा चैप्टर है। और इसमें टेक्स्ट 7 इज तद विलोक्या व्यर व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम् अनेना लोकान प्रागलीनन कल्पत तिमिते अचिंद्यत। इसके ट्रांसलेशन देयर आफ्टर ही सॉ दैट अ लोटस ऑन व्हिच ही वाज सिचुएटेड वाज स्प्रेड थ्रू आउट द यूनिवर्स
and he contemplated how to create all the planets which were previously merged in that very same lotus. Basically, ब्रह्मा देव जी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वो कमल का पुष्प जहाँ पर वो विराजमान थे वो स्प्रेड हुआ है पूरी, वो पूरा फैला हुआ है पूरी कायनात में, यूनिवर्स में, सृष्टि में. और फिर वो सोचने लगे थे कि कैसे जो है वो मैं प्लैनेट्स वगैरह को क्रिएट करूं, मुझे जो बहुत सारे लोक बनाने हैं, भवन बनाने हैं, उन सबको मुझे कैसे करना है, क्रिएट करना है, बनाना है, रचना करनी है. जो कि जो है वो उसी लोटस, उसी जो कमल का पुष्प है उसी में ही ऑलरेडी समाये हुए हैं. तो इसमें ऑब्वियसली जो फूल है, पत्ता फूल जो है उसमें भगवान ने ऑलरेडी प्राइमरी क्रिएशन की हुई है. भगवान ने बीज, क्योंकि वो परम पिता है जो कि बीज उत्पन्न करते हैं हर चीज का, तो उन्होंने ऑलरेडी बीज डाले हुए हैं जो हम प्राइमरी क्रिएशन पढ़ रहे थे जिसको सर्ग कहते हैं. अब जो बात हो रही है दैट इज विसर्ग. सर्ग मीन्स वो सृष्टि जो कि भगवान ने क्रिएट की. भगवान ने पहले जो है वो बीज डाल दिए उस पुष्प के ऊपर, उसमें बहुत सारी सृष्टियां, यूनिवर्सेस, जीव प्राणी, उन सब की बीज डाल दिए भगवान ने ऑलरेडी. अब उसमें जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो मजीद उन जो बीज जो उन्होंने सीडलिंग की हुई है उस पुष्प के ऊपर उसको फैलाएंगे पूरी यूनिवर्स में, उसको डिवाइड करेंगे, उसको सेक्शन में बांट देंगे. तो उसके बारे में ये पूरा जो है वो श्लोक है. तो इसके ऊपर हम जो है वो बेसिकली जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 10 जो है वो मेन टॉपिक्स हैं. जैसे भगवद्गीता में जो है वो जीव प्राणी प्रकृति काल इन सब के बारे में हमें सुनने को मिलता है, कर्म के बारे में पता चलता है, 5 मेन टॉपिक हैं भगवद्गीता के. इसी तरह से भागवतम के जो टॉपिक्स हैं वो 10 हैं, आप सबको पता ही है, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो सर्ग है, यानी भगवान ने कैसे क्रिएशन की. और ये पहले हम सब जो है वो सुन चुके हैं पिछले सारे सेशंस के अंदर, जिसमें कि भगवान एक्सप्लेन करते हैं संकर्षण में, संकर्षण जो बलराम जी है, और उसके बाद जो है वो इसके संकर्षण भगवान जी है, और संकर्षण भगवान से प्रद्युम्न प्रकट होते हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु उनको भी प्रकट करते हैं. तो ये सर्ग की हम बात कर रहे हैं. मैं जैसे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रही हूँ ताकि उसको कनेक्ट करने में हमें आसानी हो जाए. तो हमने देखा था कि उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु यूनिवर्सेस में, यूनिवर्सेस वगैरह के अंदर जो है वो भाग लेते हैं, और यूनिवर्सेस प्रकट होती है भगवान के स्किन और श्वास से जो है वो सारी क्रिएशन हो रही होती है. और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो भगवान सांस से और अपनी स्किन से भी जो यूनिवर्सेस जीव प्राणी सर्ग में प्रकट कर रहे थे, वो बेसिकली उसमें भी 2 तरह के तत्व प्रकट हो रहे थे. एक जो तत्व प्रकट हो रहा था वो विष्णु तत्व प्रकट हो रहा था, जिसको स्वांसा क्रिएशन कहते हैं. और दूसरा जो तत्व प्रकट हो रहा था दैट इज उसका नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें होता यह कि जीव प्राणी का जो तत्व है वो प्रकट होता है, जीव या मानव जाति जो है वो प्रकट हो रही होती है. तो ये 2 तरह की जो है वो विभिन्न नाम समथिंग टाइप का वो वर्ड था जिसको हम कहते हैं कि ये भगवान की जीव प्राणी जो है वो प्रकट हो रहे हैं. उसके बाद हम सब जानते हैं कि शिरो दीक्षा विष्णु जो है वो जो परम भगवान है, पितामह है हमारे, जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो उन यूनिवर्सेस भगवान जो है वो यूनिवर्सेस के अंदर प्रकट होते हैं, वो हर जीव प्राणी के अंदर जाते हैं, ये हम सब जानते हैं. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो प्राइमरी क्रिएशन है उसमें भगवान ऑलरेडी जीव भी जो है वो प्रकट करने की बीज बो रहे हैं, यूनिवर्सेस क्रिएशन के भी बीज बो रहे हैं, ऑलरेडी भगवान ने ये काम कर दिया. और भगवान श्री कृष्णा से जो चौथे, जैसे मैंने कहा कि बलराम या संकर्षण प्रकट होते हैं, महाविष्णु होते हैं, शिरो दीक्षा विष्णु, गर्भो दीक्षा विष्णु, इसके अलावा चौथे जो वो प्रकट करते हैं तत्व वो होते हैं शीशनाग. शीशनाग जी पर्सनल सर्वेंट होते हैं उनके, तो पर्सनल सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं वो स्पिरिचुअल लेवल पर. बाकी ये जो महाविष्णु, शिरो दीक्षा विष्णु, गर्भो दीक्षा विष्णु, ये सब मटीरियल यूनिवर्स या जो कायनात की जो रचना है, सृष्टि की रचना है, उसमें ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. तो ये तो हो गई सर्ग की बात है, सर्ग की बात है. दूसरा जो मेन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है
भागवतम का, दैट इज विसर्ग। विसर्ग जो है उसकी आज हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो वही जो कहते हैं ना प्लांटिंग, जो बीजों का जो सिंचन किया है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सर्व सर्व कारण है वो भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नादे राधे गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है वो मेन कॉज है जिसके इफेक्ट में ये सारी सृष्टि की और जीवों की रचना हो रही है। जैसे हमें पता है कि कोई भी जो है वो हम सागर देखते हैं बहुत सारे, तो सागर का भी कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि बादल है वो बरसते हैं, पानी बरसता है तो कोई बादल जो है वो आ रहे होते हैं। इसी तरह भगवान जो है सृष्टि की रचनाकार के मेन कंट्रोलर भी है, मेंटेनर भी है एंड क्रिएटर भी है। तो जो सेकंड जो मेन सब्जेक्ट है वो विसर्ग है, और थर्ड जो है वो स्थित होते हैं बहुत सारे स्थानाम जिसको कहते हैं। ये बेसिकली एक श्लोक भी है, भागवतम का पहला ही श्लोक है ना कि अत्रि सर्ग विसर्ग स्थानाम पोषानाम, ये वाला पूरा एक श्लोक है। फिर भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, पोषानाम का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना जीव प्राणियों को। फिर मनोमंत्र की बात होती है इस भागवतम के अंदर, मुख्तलिफ इसमें जो है वो मन मंत्र होते हैं, चतुर्युग होते हैं, चार युगों का जो है वो एक चतुर्युग होता है, एक दिन ब्रह्मा का एक चतुर्युग के बराबर होता है, ये सारी कैलकुलेशंस है उसमें। और इसके अलावा जो है वो भगवान की लीलाओं का भी वहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो वर्णन होता है इसमें भागवतम में। इसमें भगवान की जो है वो और बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, मुक्ति के बारे में बात होती है, निरोध के बारे में बात होती है। निरोध का मतलब होता है सब कुछ नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, परले काल आ जाती है निरोध। और फिर एंड में हम सबको पता है कि समम वोम पूनम जिसको हम कहते हैं आश्रय, तो आश्रय जो है वो भगवान का जो है वो सबसे मेन एसेंस है हर चीज का। कृष्ण भी कहते हैं कि जो है सर्वधर्म प्रत्याज माम एकम शरणम व्रजा, तो हम मेरी जो है वो शरण लो भगवान कहते हैं। तो वही भागवतम में भी ये सार आता है कि आप भगवान की भक्ति करें और उसकी शरण लें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे प्राइमरी क्रिएशन के अंदर जो है ना भगवान जो है वो ओनर है हमारे, हमारा कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो एग्जिस्टेंस है या वजूद है कि भगवान जो है वो रिक्रूट करते हैं हमें, यूनिवर्सेस में डालते हैं हमें, भगवान बनाते भी हैं और यूनिवर्सेस में डालने के लिए रिक्रूट कर रहे होते हैं। परंतु हमें जब वो यूनिवर्सेस के अंदर सृष्टि बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर जब वो भगवान जो है वो स्थित करने के लिए योजना कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्वयं खुद नहीं करते हैं, क्योंकि मटीरियल एनर्जी से भगवान जो विभिन्न रहते हैं, वो टोटल दिव्य जो है वो पुरुष है। हमने अभी बात की कि वो टोटल जो है परम धर्म है, वो एक्चुअली परम पवित्र है, वो परम धाम है। तो भगवान जो है वो मटीरियल एनर्जी से अलग रह के सारा कुछ ये कार्य करते हैं, और सदाशिव जो है उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो जीव प्राणियों को यूनिवर्सेस के अंदर ट्रांसफर करते जाए, या उनके जो बीज हैं उनको वहां पर जो है वो प्लांट करते जाए। सदाशिव जो है वो उसमें इनको जितने भी ये कार्य होते हैं भगवान को सर्ग के अंदर ही, सर्ग जो फेज था इस क्रिएशन का, जैसे मैंने कहा दो फेज है सर्ग एंड विसर्ग, तो सर्ग के अंदर जो है सदाशिव जो ओरिजिनल, अब शिव की भी बहुत सारी टाइप्स हैं आप सबको पता है, लेकिन जो मेन जो शिव है सदा जो शिव है महादेव है वो सदा शिव है, जो ओरिजिनल भगवान के भक्त हैं वो सदा शिव हैं, जो कि अपने वास में वैकुंठ धाम में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ भगवान गोलोक का धाम है वहाँ सेवा करते हैं सदा शिव। बाकी जो शिव है शंभु है दिगंबर दिगंबराए हैं, ये कितने सारे रुद्र है 11 रुद्र है, उनकी सबकी भी क्रिएशन आप देखेंगे अभी होगी आगे जाके, चार कुमार की होगी 11 रुद्र होगी, ये बहुत सारे जो है वो सदाशिव की ही फॉर्म्स है जिनकी जो क्रिएशन होती रहती है। लेकिन मेन जो विष्णु तत्व जो है जो विष्णु का ही एक ओरिजिन से आते हैं शिवा, उनको कहते हैं हम सदा शिवा। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि शिवा जो है वो कोई बहुत आम सा एलिमेंट नहीं है, ऑब्वियसली ही इज टॉपमोस्ट वैष्णवा, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ विष्णु तत्व। तो सर्ग के बारे में ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया, रिपीटेशन था, कहने का मकसद ये था कि हम सब जो है वो हमें जो बनाने वाले हैं वो भगवान है, हमारे सेंसेस के जो प्रोपर्टायर हैं जो उसके मालिक हैं जो ओनर है वो सब भगवान ही है, हमारे हृदय हमारी बॉडी हमारी सेंसेस, क्योंकि भगवान ने हमें क्रिएट किया है,
सदाशिव के थ्रू जो है वो ट्रांसफर कराया है हमारे बीजों को वहां पर। अब ब्रह्मा जी का काम शुरू हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो ऑब्वियसली थोड़े से शुरू में परेशान थे, तो उन्होंने स्तुतियां की और बहुत सारा भगवान को गुणगान किया और चतुर्श्लोकी भागवतम भी वहां प्रकट हुई और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान की अनुमति लेके अब वो जब करने लगे हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि पुष्प के ऊपर सब कुछ जो है वो जो बीज थे उनको जो है वो यूनिवर्सेस के ऊपर जितनी भी सृष्टियां थी उनको क्रिएट किया, उसको फैला दिया। और नेक्स्ट जो है वो श्लोक हम देखते हैं यहाँ पर, एतावान जीवा लोकस्य समस्त वेद समृता धर्मस्य हे एलिमच्चा विपिक्ता परमेस्ति असो। Translation: Lord Brahma is the most exalted personality in the universe. Oh, I am sorry. Text 19 पे चली गई मैं. I'm sorry. So text 8 को हम पढ़ते हैं. पद्मकोशं तद्विश्य भागवत कर्मा चोदिता एकं विभागत स्फुरता त्रेता भाव्यम देवी सत्तता। Translation: Thus engaged in the service of the supreme personality of Godhead, Lord Brahma entered into the whole of the lotus, and as it spread all over the universe, he divided it into 3 divisions of the world, and later into 14 divisions. So, अब उन्होंने जो है वो 3 भागों में उसको जो है वो तकसीम किया, और उसमें भी 14 भवन वगैरह सब जानते हैं planets वगैरह की जो है वो रचना की गई। और जो टेक्स्ट 9 है उसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज द मोस्ट एक्सल्टेड पर्सनालिटी इन द यूनिवर्स बिकॉज ऑफ हिज कॉजलेस डिवोशन सर्विस अनटू द लॉर्ड इन मैच्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ही देयरफॉर क्रिएटेड ऑल द 14 प्लैनेटरी डिविजंस वाज इनहेबिटेशन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान भगवान ने उनको दिया कि निर्माता है वो सेकेंडरी क्रिएशन या सब क्रिएशन सृष्टि की रचना में उनका बहुत बड़ा रोल है। परंतु आप सोचें कि ब्रह्मा जी हम जीव जितने प्राणी हैं हम सब भी जो है वो खुद को नहीं समझ सकते हैं ना जान सकते हैं, सिर्फ भगवान ही है जो हर चीज को प्रॉपरली जानते हैं और उनका जो है वो ज्ञान भी होता है। जैसे भगवान कहते हैं ना भवनाम जन्मा मानते ज्ञानवान मम प्रबध्यन्ते वासुदेव सर्वरिति सो महात्मा सो दुर्लभा। तो भगवान कहते हैं कि पता नहीं कितने कितने जन्म के बाद किसी को ज्ञान हो पाता है कि वो भगवान को जान सकते हैं कि वो सब कारणों के कारण है, और वो महात्मा बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है ऐसा डिवोटी जो उनको जानता है जो भगवान को समझता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो आप ने भी सुना होगा कि वो द्वारिका में एक दफा ब्रह्मा जी जो है वो विजिट करते हैं। तो द्वारिका नगरी तो बहुत सुंदर होती है, बहुत विशाल होती है, ऑप्यूलेंट होता है बहुत ज्यादा उसका जो है वो। वहां पर जब जाते हैं तो जो द्वारपाल होते हैं वो पूछते हैं कि आप कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी हूँ। तो कृष्ण तक बात जाती है अंदर, तो कृष्ण कहते हैं कि पूछ के आओ कि कौन से ब्रह्मा जी है। तो जब वो जैसे ही जाके पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आप कौन से ब्रह्मा जी हैं, तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो थोड़ा सा आश्चर्य में होते हैं कि भगवान जी क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो फिर खैर कहते हैं कि मैं जो है वो 4 सर वाला हेड्स वाला जो है ब्रह्मा हूँ। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो भगवान के पास आते ही पहला सवाल ये करते हैं कि भगवान जी ये आप कौन कौन से ब्रह्मा को जानते हैं और कौन कौन से ब्रह्मा की जो है वो बात कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ। तो भगवान जी जो है वो हंसे हुए फिर उनको जवाब देते हैं कि पता नहीं कितनी ही कल्पों के अंदर, कितनी ही मिलेनियम्स के अंदर कितनी सृष्टियां रचती हैं और कितने ही ब्रह्मांडों के अंदर जो है वो कितने ही ब्रह्मा 10,000, 15,000, 20,000 सरों वाले जो है वो प्रकट होते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा जो है वो उस वक्त आश्चर्य में समा जाते हैं, और उसी वक्त फौरन से बहुत सारे रुद्र और शिवा जो है बहुत सारे प्रकट होते हैं। इसी तरह से उनके भी बहुत सारे सर होते हैं, किसी के 15, किसी के 10, किसी के 12, और इसी तरह से वहीं पर इंद्रदेव भी जो है वो बहुत सारे इंद्रदेव वहीं पर ही प्रकट होते हैं। तो ये लीला जो है वो द्वारिका नगरी में हो रही होती है। तो ब्रह्मा जी तो समझते हैं कि मैं ही एक जो है वो रचनाकार हूँ, मैं ही सब कुछ रचता हूँ और भगवान मुझे से काम ले रहे होते हैं, और उन्हीं के जैसे पता नहीं कितने सारे जो है वो ब्रह्मा जी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान है
वो जब तक अहितु की भक्ति किसी को ना दे तब तक कोई हमको समझ भी नहीं सकता। तो इस श्लोक के अंदर जो है वो ब्रह्मा जी को ये वरदान मिला है कि वो ये सारी क्रिएशन करें। बस क्रिएशन में भी ऑब्वियसली हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो हमें पता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हम उसके स्पेसिफिक लोगों को हायर करते हैं, मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं। अगर फाइनेंस का कोई डायरेक्टर है तो उनकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस वाली होगी, या कोई अगर जो है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो उसका डिपार्टमेंट के लोग उस तरह के गुण वाले होंगे। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो क्या करते हैं, जीव प्राणियों को उनके गुण अनुसार जो है वो स्थित करते हैं प्लैनेट्स के अंदर। और प्लैनेट्स, हमने कहा कि 14 प्लैनेट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, 3 विभाग होते हैं, अपर होता है जो है वो लोक होते हैं, बीच का मध्य लोक होता है, और नीचे पाताल लोक होता है। पाताल लोक होता है, भोर लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है मेन। और इसके अलावा जो अपर जो और बहुत सारे लोक होते हैं वो महर लोक, सत्य लोक, तपो लोक, जन लोक, ये सारे होते हैं। और नीचे के जो सारे लोग होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी या भूलोक जो है वो 8वां फ्लोर होता है, तो इसके नीचे के जितने भी फ्लोर होते हैं, अतल, ततल, पातल, सतल, ये सारे जितने भी होते हैं, उसमें थोड़े से लोअर जो है वो लेवल के जीव प्राणी होते हैं। जैसे वो तो लेवल होता है उनका, वो प्राणी जिनका गुण, उनका कर्म, कॉन्शियसनेस बहुत हायर लेवल का था, उन्होंने भगवान से कोई लड़ाई नहीं की थी जब क्रिएशन हो रही थी, या भगवान के परम धाम में थे, या भगवान के साथ अपने आप की तुलना नहीं करने पर आ गए थे, ऐसे जीवों को भगवान थोड़ा दर्जा हाईएस्ट देंगे ऑब्वियसली। और वो जिन्होंने कहा कि नहीं मैं तो स्वयं भगवान भगवान ही हूँ, और अहंकार कर गए, जिन्होंने अपने आप पर अहंकार कर दिया, तो उनको ऑब्वियसली फिर एक कर्मा साइकिल के अंदर जन्म लेना पड़ा, बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर जो है वो जाना पड़ जाता है। इस टेक्स्ट 9 के अंदर लोगों की बात की गई है कि जो महर लोक है, सत्य लोक है, यहाँ पर जो प्राणी जीव रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले सॉरी जीव प्राणियों को ये वरदान है कि उनका जो है वो परले काल जल से भी जो है वो विनाश नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो भगवान की हरि दुखी भक्ति के अंदर जो है वो जो वो भक्ति जो कि अखंड है, अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है, भगवान से बिन मतलब की जो भक्ति की जाती है, उसके कारण जो है वो परले काल का जल भी उनको बहा के नहीं नाश कर पाता। तो ये जो है वो महिमा कही गई है। परंतु ऑब्वियसली एक कल्प आता है कि जब पूरे सारे ब्रह्मांडों को खत्म होना ही होता है, भगवान की सृष्टि का एक हर चीज का टाइम फ्रेम होता है, तो ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आती है प्लैनेट्स के अंदर भी। और इवन हमारा जो कार्य जो भगवान श्री कृष्णा ने हमें शास्त्रों द्वारा, गुरुजन द्वारा, आचार्य द्वारा बताया है, वो यही है कि हमारी जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जागे अपने स्वरूप में, और अपर जो प्लैनेट्स हैं, जो भगवान तक पहुंचने के जो मार्ग है, हम उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं हो कि हम जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ चलते जाएं और हमारा जो नाश है वो भौतिक वस्तुओं के अंदर अटैचमेंट कर करके जो है वो एग्जैक्ट हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हमारा जो स्वरूप है बेसिकली जो है वो नित्य दास वाला स्वरूप है। जीव या जो आत्मा है उसके दो प्रकार के जो है कर्म होते हैं, एक परा होता है, एक अपरा होता है। हमारे शरीर से रिलेटेड जो कर्म है वो अपरा है, जितने भी हम करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, बनाते हैं, नाम पैदा करते हैं अपना संसार सोसाइटी में, ये सब अपरा है। परा जो होता है वो डेफिनेटली क्या है कि भगवान को जानना, अपने आप को जानना, अपनी एक्चुअल पोजीशन को जाना। हमने बात की ना कि भगवान ने हमारे सेंसेस ही सब प्रोपर्टी है, भगवान हमारे मालिक है, हमारे सेंसेस, हमारी बॉडी, हर चीज को भगवान के द्वारा जो है वो हम भगवान की एनर्जी है, हमारे अंदर भगवान के गुण है, तो वहीं से हम बनाए गए हैं। तो भगवान का दास होना ही हमारी असल आइडेंटिटी है। और इवन ये जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे जीवों को स्थित किया जा रहा है ना उनके गुण और कर्म के हिसाब से, वहां पर बहुत से ऐसे जीव प्राणी है जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर भी पड़े रहेंगे। उनको ये भी नहीं मौका मिल रहा है कि वो जो है वो भगवान की सेवा या भक्ति में रहे, अभी उनका टाइम नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे जीव प्राणी होते हैं, उनको जो है वो पता नहीं जन्म जन्मांतर कितने मिलीनियल सब जो है वो अपनी ड्रीम और नींद के अंदर सोए ही रहते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो क्रिएशन हो रही है भगवान द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, ये भी एक ड्रीम है बेसिकली, बट दिस ड्रीम इज अ रियल ड्रीम, इट इज अ रियल
इट इज नॉट लाइक जैसे मायावाद लोग कहते हैं ना कि जग सपना संसार सपना, तो सपना नहीं है, ये ड्रीम है पर ये सच है, पर टेम्पररी है। भगवान ने कहा कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये मटीरियल क्रिएशन जो बन रही है ये भी टेम्पररी है, और भगवान की जो सृष्टि का विस्तार है या जो उसका साइंटिफिक अरेंजमेंट है दैट इज वेरी 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 स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक है। हमने ये भी पढ़ा कि जो कारुणा सागर होता है जो कि मटीरियल एनर्जी मादी एनर्जी भौतिक एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच में होता है, कारण कारुणा सागर, उस कारुणा सागर के अंदर जो शून्यवादी होते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले वो वहां जाके समा जाते हैं उसके अंदर। जैसे मायावाद जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाके बहुत सारे वहीं पर जमा होते रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के अंदर बहुत सारे ऐसी सोल होती हैं जो कहती है भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, वो वहां जाती है। तो कारुणा सागर जो होता है वहां पर शून्यवादी वाले जो प्राणी होते हैं वो वहां पर स्थित हो रहे होते हैं। तो यस वी हैव गॉट सो मच साइंटिफिक वैदिक एविडेंसेस, तो इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा जो है वो समझने की जरूरत है कि भगवान जो है वो जीवों पर कितनी दया करते हैं, करुणा करते हैं, कि तब भी भगवान जो है वो अपनी आहितु की भक्ति का हमें जो है वो फल दे रहे होते हैं, आहितु की भक्ति का हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, ताकि हम जो है वो बैक टू गॉड हेड ऊंचे से ऊंचा जो प्लैनेट है वहां तक सफर कर सकें। और श्रील प्रभुपाद ने जो है वो बेसिकली हमें सही प्रोसेस और प्रॉपर प्रोसेस जो है वो बताया है कि आपने बहुत कोई परिश्रम भी नहीं करना है, कोई चार नियम का पालन करना है, जो कलयुग के अंदर जो है वो सत्यता शोचम दया क्षमा ये सब खत्म है। इसलिए खत्म है क्योंकि गैम्बलिंग बहुत ज्यादा है, जो है वो इलिसिट रिलेशंस बहुत ज्यादा है, इंटॉक्सिकेशन ज्यादा है, मीट ईटिंग ज्यादा है, तो इस वजह से हम क्षमा दया सत्यता और शोचता जो साफ सुथराई है पवित्रता है इन सबसे हम दूर हो गए हैं। तो श्री कृष्ण ने जो है वो बहुत सारे आचार्य द्वारा ये ज्ञान हम तक बार 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 जो है वो सुखदेव गोस्वामी परिषद को बताते हैं, पहले भगवान ने ये जो है वो सूर्यदेव को बताया था, विवस्वान को बताया था, फिर इक्ष्वाकु के थ्रू जो है वो ये ज्ञान आया, फिर वो चेन टूट गई, फिर वापसी उन्होंने अर्जुन को दिया। तो इस तरह से बार बार भगवान इज वेरी 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 काइंड एंड ही इज वेरी मच जेंटल फॉर विद अस। तो यस भगवान जो है वो एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा को कि वो बहुत सारे जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी क्रिएशन करें, और इस क्रिएशन में भी जो है वो बहुत सी चीजें हमने समझने को मिलती है, जैसे प्लैनेट्स की डिवीजन की हमने बात कर ली। अब एक चीज मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगी कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये प्लैनेट्स के अंदर जो वासी है रहवासी है वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। तो जो सातवां सॉरी जो आठवां प्लैनेट है वो भूलोक है, इसमें जो है वो अर्थ प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं, मनुष्य लोक है जिसको कहा जाता है, मनुष्य लोक से ऊपर यानी ये भूलोक से ऊपर भूर्लोक है, भूर्लोक के अंदर जो है वो प्रेत आत्मा वगैरह है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक होता है, उसके उसमें जो है वो इंद्र देवता वगैरह रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो 11वां फ्लोर है उसे महर लोक है, तो महर लोक में प्रजापति और भर्गो ऋषि वगैरह रहते हैं 11वें फ्लोर के ऊपर, 12वें फ्लोर पे ऋषि जन वगैरह रहते हैं, सॉरी 12वें पे जो है वो तप चार कुमार रहते हैं 12वें फ्लोर के ऊपर, और 13वें फ्लोर के ऊपर ऋषि वगैरह रहते हैं, 14वें फ्लोर जो 14 फ्लोर है उसमें जो है वो ब्रह्मा जी सत्य लोक जिसको कहते हैं टॉप मोस्ट, वहां पर जो है वो ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। तो हमने बात की कि अर्थलोक जो कि भूलोक था उससे ऊपर के सारे के अंदर आप देखें इंद्रलोक आ गया, इंद्र देवता रह रहे हैं, ब्रह्मा देवता रह रहे हैं, प्रजापति रह रहे हैं, ऋषि जन रह रहे हैं, चार कुमार रह रहे हैं, ये सब कितने हाईली एडवांस रिलेटेड डिवोटीज हैं वो सब रह रहे हैं। इसके नीचे के जो प्लैनेट्स हैं उसकी हम बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन रह रहा है। वितल लोक के अंदर शिव जी रह रहे हैं छठे फ्लोर के ऊपर। अब ये शिव जी जो है वो ओरिजिनल महादेव नहीं है, ये सदा शिव की ये फॉर्म है जो कि अपने लोक में रह रही है। सदा शिव जो है ना वो वैकुंठ धाम में रहते हैं, भगवान के साथ सेवा में रहते हैं, वो ओरिजिनल शिवा है,
तो ये हम सबको बहुत समझने की जरूरत है। एंड जो पांचवा जो लोक है वो सतल लोक है, जहाँ बलि महाराज रहते हैं, और तलातल में मैदानों और राक्षस रहते हैं, महातल में स्नेक्स रहते हैं जो थर्ड फ्लोर पर है, और जो सेकंड फ्लोर पर है वो रसातल है, इसमें दहित वगैरह रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो पाताल लोक है, वहां पे बहुत सारे स्नेक्स वगैरह रहते हैं। तो हम ये भी कल रिसर्च करते थे कि इतने सारे जो श्लोक है ना, ये भी जो है वो हमेशा एक जैसे परमानेंट स्टेज में नहीं होते हैं। जीव प्राणी के साधन, उनकी श्रद्धा, उनकी साधना अनुसार जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, वो या तो प्रमोट हो जाते हैं या डीमोट हो जाते हैं। तो ये इंसान की अपनी विल पावर के ऊपर है, भगवान ने इंसान को जो है वो विल पावर दी है, कर्म का अधिकार है, पर उसके फल के ऊपर जो है वो हमने, भगवान ने अपना जो है वो जुरिसडिक्शन ले लिया है कि मैं रिजल्ट देने वाला हूँ। तो हम ऐसे अच्छे कर्म करें, हम ऐसी क्रिया करें यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत इस संसार में आके या इस इसको कहते हैं दुखाले हम शाश्वतम है, तो यहाँ आकर जो है वो फंस ना जाए फिर से भौतिक वस्तुओं में, यहाँ के प्रलोभन में, और यहाँ के आलोभन है बहुत सारे, बहुत चमक है यहाँ पर, फ्लेयर है, ग्लोरी है बहुत सारी, इवन नाम प्रतिष्ठा, इनसे भी हम जो है वो अपनी पथ से जो है वो भ्रांत हो जाते हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें बहुत सावधानी के साथ जाना है, एट द सेम टाइम जो है वो हमें इस जर्नी को एंजॉय भी करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज ये भी है कि ठीक है, हमारे माइंड में ये जरूर है कि हम सबका आज हम सोचें कि हमारा गोल क्या है, वी ऑलवेज से कि बैक टू गॉडहेड, लेकिन उस गोल के उसमें हम जो है मैकेनिकल ना हो जाए, हम सिर्फ ये ना एक मशीन की तरह ना बन जाए, हम उस जर्नी को एंजॉय करें, हम हारमोनी के साथ जो है वो भगवान का नाम कीर्तन करें, साधु संग करें, इस भगवान की ग्लोरी को, नाम को फैलाना हम सबका फर्ज है, हम उस भगवान की जो है वो औलाद है, हमने भगवान का जो है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि उसने हमें ओन किया है। तो हमारा काम है कि ये जो शिक्षाएं है भागवतम की, जो भगवान का चर्चा है, जो नाम है, जो उसका गुणगान है, वो सबको पूरे संसार में फैलाते जाए जितना हो सके, ये हम सबका काम है। हमारे अंदर वो सारे गुण है, ये जो 9 श्लोक है इसमें कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि जो जीव प्राणियों में जो गुण है वो मेरे गुण से ही जो है वो देम है, परंतु ऑब्वियसली हम जो है वो स्मॉल गॉड है, जो महा ईश्वर जो है परमेश्वर कृष्ण है वो गॉड है, और हम स्मॉल गॉड है। स्मॉल स्मॉल गॉड का मतलब ये होता है कि हम एक्चुअली ये जस्ट समझाने के लिए हम कहा कि स्मॉल गॉड का मतलब ये कि जैसे शेर होता है तो उसका बच्चा भी शेर होता है, इसी तरह गीदड़ है तो उसका बच्चा भी गीदड़ होता है। तो हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जो है वो औलाद है, तो हमारे अंदर भी वही वाले गुण डेफिनेटली मौजूद है, कुछ ऑब्वियसली जो है वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हम उसको रिफ्लेक्ट कहीं पर कर पाते हैं, कहीं पे नहीं कर पाते हैं, वो हमारी साधना अनुसार, हमारे अंदर मोस्ट पावरफुल एनर्जी शक्ति ऑफ श्री कृष्ण अवेलेबल है, हमारे अंदर है, हिडन है, हमें जो है वो इसी तरह भगवान की चर्चा कर करके, भगवान का नाम जप कर करके जो है वो हमें उस फोर्स के साथ जो है वो इन सारे सागरों को, इन सारे प्लैनेट्स को पार कर जाता है। देखिए कितने सारे सागर हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं। अब वो जो भगवान का जो लोक है गोलू का है, क्या वहां तक जाना इतना आसान है, क्या भव सागर पार करना क्या इतना आसान है, उसके लिए कोई फोर्स चाहिए हमें। वो फोर्स जो है वो श्री श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बता दी, हरि नाम संकीर्तन की फोर्स है वो, जो है वो पृथ्वी ते आचे नगर राधि राम, सर्वत्र प्रचार होए ते मेरा नाम। तो भगवान का जो प्रचार है, जो भगवान का जो कृष्ण नाम है, जो संकीर्तन है, उसकी फोर्स से हम सब जो है वो भगवान के अपने अपनी स्थिति स्थान में, भगवान के पास हम जाके उनकी सेवा में प्रकट हो सकते हैं, वहां तक पहुंच सकेंगे। तो यस, इसमें एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज यस, ये कह रहे हैं कि हम जो है वो हमें कहा जाता है प्रतिबिंबस, हमारा एक जो जीव प्राणियों का जो नाम है वो प्रतिबिंबस है, यानी हमारे जो गुण है वो भगवान से ही हम जो है वो लेकर आ रहे होते हैं। तो हमारे अंदर उनकी शक्ति और उनके जो गुण है उनका रहता है,
एग्जिस्टेंस रहता है भगवान के, हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। भगवान को जो समझने की जो युक्ति है वो इतनी आसानी से नहीं ऑब्वियसली प्राप्त होती। बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे हमने कहा कि कई कई जन्म, कई कई जो है वो साल, कितने मिलेनियम बहुत गुजर जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा एक्चुअल क्या एग्जिस्टेंस है। राधानाथ स्वामी जी जो है वो एक दफा एक प्रपोजल लेकर वहाँ गए थे रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर। तो वहां पर उनका प्रपोजल ये था कि थोड़ा सा उनको उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट में मौका मिले कि भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा सा उनको जानने का मौका मिले, उनको बताया जाए कि भाई हमारे पास जो है ना वो बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट ये है कि हम जीवों को पीस फॉर्मूला दे रहे हैं, हम जीवों को जो है वो उत्तम भक्ति योगा का जो है मार्ग दिखा रहे हैं। वहाँ के जो चेयरमैन थे उस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं और भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसमें बहुत सी थ्योरीज हैं जो कि अभी भी एविडेंस बेस्ड नहीं है, अभी भी वो प्रूव नहीं हुई है, तो कृष्णा है भगवान ये भी कैसे समझे हम। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो भगवान के पहुंचने का जो मार्ग है, जो उनको समझने की युक्ति है, वो आचार्य जन गुरु जन हमें बार बार दे रहे हैं, पर हर किसी को वो कृपा ही नहीं प्राप्त हो रही है। बहुत से ही ऐसे धर्म के इंस्टीट्यूट है दुनिया भर में जहाँ पर असली धर्म पढ़ाया ही नहीं जा रहा, समझाया ही नहीं जा रहा, साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह जो है वो बताई जा रही है। अरे वो जो साइंटिस्ट की जो स्टोरीज बताई जा रही है वो भी कहाँ से उसका कॉज जो है डिवेलप हो रहा है, कौन है पीछे उसके। अगर बिल गेट्स आज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किंग माना जाता है कि जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजाद करके और डिस्कवर करके एक तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, कि जितने इंजीनियर्स हैं आईटी के या जो इस और भी दूसरे शोबों के जो दूसरे प्रोफेशंस के जो लोग हैं उसको, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो जो है वो एजुकेशनिस्ट हो, हर तरह के रिसर्चर्स हो, वो सब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईटी को अपने उसमें अलाइन कर रहे हैं, अपने जो है वो प्रॉफिट्स में और इकोनॉमी जनरेट करने में। तो कितने सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, पर उस बिल गेट्स का भी जो पीछे जो ब्रेन है, बिल गेट्स की जो ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस और ब्रेन के पीछे जो कॉज है वो भगवान ही है डेफिनेटली। इसी तरह विलियम शेक्सपियर है, हमने उनके कितने लिटरेचर पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश के अंदर इतनी रेवोल्यूशन थी कि उन्होंने पूरी इस भाषा को पूरी दुनिया के अंदर जो है फैला दिया कि हर कंट्री में आप जाओ तो इंग्लिश तो संबंध में आती ही आती है लोगों को, आप सबको भी पता होगा ये। तो वजह क्या है उस ब्रिलियंस और उस माइंड के पीछे, वो श्री कृष्णा ही है। तो ये जो विसर्ग भी जो पूरी क्रिएशन हो रही है, प्लैनेट्स की डिवीजन है, जीवों की वहां पर प्लेसमेंट है उनके कर्म अनुसार, उनके गुण अनुसार, ये भी एक तरह की साइंस ही है। और ये प्लैनेट्स भी भगवान ने ऐसे बनाए कि वहां पर जीव प्राणी बड़े सुखी है, वहां पे कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है कि वहां पर आज जो है वो गर्मी बहुत है तो लाइट चाहिए हमें या एसी चाहिए, या वहां पर विमान चलते हैं, वहां पर चलने के लिए कारों की भी जरूरत नहीं है, बहुत सुख सुविधा है इन प्लैनेट्स के अंदर भी। परंतु डेट इज नॉट द एंड अगेन, वो भी आखिरी हमारा जो है वो पड़ाव नहीं है, भगवान ये कहते हैं वो भी आखिरी पड़ाव हमारा नहीं है। उन प्लैनेट से भी गिर के फॉल डाउन वापसी हो जाएगा, वो जो शून्यवादी जो वहाँ कारोना सागर के अंदर जा रहे हैं वो भी वापसी आ जाएंगे, जो ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं वो भी वापसी आ जाएंगे। ये सारी मटीरियल लेवल तक जो है वो, क्योंकि मटीरियल क्रिएशन है, जो स्पिरिचुअल जो लोक है, जो क्रिएशन है वो 75% है, वो गोलोका है, वैकुंठ धाम है, ये जो मटीरियल क्रिएशन है ये 25% है टोटल अगर हम बात करें तो। Let me see the time. Okay, I have time. I think. Do I have time or I should finish? Gopi Manohar Prabhu kindly guide. Yes, mother. You can take 5-10 minutes. 10 minutes. Okay. So yeah, I was telling ke ye itne sare jo planets hain, iski systems ko hum padhe to adbhut hai. Bahut zyada adbhut jo hai wo feel hota hai. Aur
ये प्लैनेट्स जो है वो सॉरी बहुत टेक्निकल हो गया है आज, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, बट यही साइंस है और यही सिस्टम है जिसको सोच के समझ कर जो है वो हम भगवान के और ज्यादा निकट होते हैं। हमने बहुत सारी अभी एग्जाम्पल्स सुनी और बहुत ज्यादा चर्चा भी किया हमने, और लास्ट जो श्लोक था 9th श्लोक जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि अहितु की भक्ति जो है, अहितु की भक्ति वाले भक्त जो है ना वो कितने सारे इन्हीं प्लैनेट्स के अंदर भी रहकर भी जो है वो अमर रहते हैं। अमर से मतलब कहने का मतलब ये कि पड़ले जल जो होता है वो हमको नाश नहीं कर पाता जब तक कि एक पर्टिकुलर मिलेनियल या कल्प जो है ना आ जाए, तो फिर कहीं जाकर उनको फिर जो है वो जन्म मरण की मृत्यु या साइकिल से बिल्कुल वो आउट हो जाते हैं, फिर वो वैकुंठ धाम तक पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक जो है वो भक्ति करते रहते हैं। इन प्लैनेट्स के अंदर भी कुछ भक्ति का जो है ना मौका मिल रहा होता है, तो भक्ति का जो मौका है वो भगवान देते हैं जीव प्राणियों को,